अस्सलामुअलैकुम जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 6, विषय हिंदी, पुनरावर्तन। बच्चों, अब हमारी परीक्षाएं आने वाली है, तो आज से हम पुनरावर्तन करेंगे, जिसमें आज हम देखने वाले हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो चलो बच्चों, शुरुआत करें हम। पहला सवाल है, काव्य में ईश्वर को किस रूप में संबोधित किया गया है? हम देख गए हैं इतनी शक्ति हमें देना दाता काव्य, तो हम उसका पहले पुनरावर्तन करेंगे कि काव्य में ईश्वर को किस रूप में संबोधित किया गया है? माता, पिता, भ्राता या दाता? तो काव्य में ईश्वर को दाता के रूप में संबोधित किया है, तो यहाँ पर डी आएगा और हमें यहाँ डी लिखना है। आगे देखें, कवि किसकी रोशनी मांगता है? कवि ज्ञान की रोशनी मांगता है, मतलब सी आएगा। आगे देखें, दुश्मनी से हमें किसके खो जाने का डर है? पड़ोसी के, खुद के, बच्चों के या धन के? दुश्मनी से हमें खुद के खो जाने का डर है। क्या आएगा जवाब? खुद के। दुश्मनी से हमें खुद के खो जाने का डर है, मतलब बी आएगा। आगे देखें, जाने कैसे ये खाली जगह थमी है? जाने कैसे ये धरती थमी है, मतलब बी आएगा। तो हमें यहाँ बी लिखना है। आगे का सवाल देखें हम, नेपोलियन अपनी बहन के साथ कौन सा खेल खेल रहा था? ये है दूसरा पार्ट, हम देख चुके हैं अनूठे इंसान में नेपोलियन जो था वो अपनी बहन के साथ इलाइजा के साथ कौन सा खेल खेल रहा था? पकड़ा पकड़ी, आँख मिचौनी, टेनिस या खो खो? तो क्या खेल रहा था? वो आँख मिचौनी खेल रहा था। तो हम यहाँ लिखेंगे बी, आँख मिचौनी। आगे का सवाल, नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया? 2 सिक्के, 3 सिक्के, 4 सिक्के या 5 सिक्के? नेपोलियन ने लड़की को 3 सिक्के दिए, तो हम यहाँ पे बी लिखेंगे, 3 सिक्के बी। आगे का सवाल, नेपोलियन कैसा इंसान था? नेपोलियन नीडर, दिलदार, बहादुर या अनूठा इंसान था? हम देख गए हैं कि नेपोलियन जो था वो सच्चाई के पथ पर चलने वाला सत्यवादी अनूठा इंसान था, तो हम यहाँ पर डी लिखेंगे, अनूठा। आगे देखें, कौमुदी के पिता किसकी नीलामी करा रहे थे? हस्ताक्षरों की, आवेदन पत्रों की, मान पत्रों की या आभूषणों की? कौमुदी के पिता गांधी जी के साथ मान पत्रों की नीलामी करा रहे थे, तो यहाँ पर जवाब आएगा सी, मान पत्रों, और हमें यहाँ पर सी लिखना है। आगे के सवाल देखें हम, मालिक ने किराएदार से कहा था कि इसे अपना ही खाली जगह समझना। यहाँ पर हम चुटकुले में देख गए हैं मालिक ने किराएदार से क्या कहा था, गांव अपना, इसे अपना गांव समझना, मकान समझना, घर या फिर ससुराल समझना। तो क्या आएगा जवाब? घर। मालिक ने किराएदार से कहा था कि इसे अपना ही घर समझना। आगे, एक आदमी ने सोनू से किसका उपयोग करने के लिए कहा? कील का, खोपड़ी का, पत्थर का या हाथ का? एक आदमी ने सोनू से खोपड़ी का उपयोग करने के लिए कहा, मतलब बी आएगा। समझ में आया बच्चों? ये सारे विकल्प आपको आपकी हिंदी की नोट में सुंदर अक्षरों में लिखने हैं और साथ ही साथ इसे याद भी करने होंगे। थैंक यू।